दोस्तों, अगर आप लोग टीपी लिंक के राउटर का यूज़ करते हो और सीखना चाहते हो कि इस राउटर में वाईफाई पासवर्ड और नाम कैसे चेंज करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप करें आप लोग पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आप लोगों को काम आए ऐसी यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, और दोस्तों मैंने देखा है कि 100% में से केवल 2% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो बाकी के 98% कहां जाते हैं पता नहीं बिना सब्सक्राइब करे। तो भाई, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों आपके भाई को मिलता रहे। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो दोस्तों, टीपी लिंक के राउटर का पासवर्ड चेंज करने के लिए आप लोगों को दोस्तों अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को या फिर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या फिर दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप लोग दोस्तों अपने मोबाइल में भी ये कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को यूज़ करना है, और इसी तरीके से आप लोग दोस्तों अपने मोबाइल में भी वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हो या फिर नाम चेंज कर सकते हो, ये जो टीपी लिंक का राउटर है उसका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, और दोस्तों आपको दोस्तों सर्च बार में सर्च करना है 192.168.0.1। ऑलरेडी दोस्तों मैंने सर्च करा है इसलिए आ रहा है, लेकिन आप लोगों को यही सर्च करना है। अगर हो सकता है कि आपका कोई अलग हो तो चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टीपी लिंक का नाम लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपके पास दोस्तों पासवर्ड नहीं है तो आप लोग दोस्तों अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे पासवर्ड ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे, क्योंकि आप लोग इससे अपने राउटर को मैनेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोग गलती मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है। अगर आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, तो आप लोग इसमें ज़्यादा सेटकानी मत करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से डाल लेता हूँ, या फिर अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिए। तो दोस्तों आपको रिसेट करने के लिए कहा जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि दोस्तों जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपने जो राउटर उसमें जो बटन दिया गया है रिसेट बटन, उसे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। लेकिन दोस्तों आप लोग ये गलती मत करिएगा, वरना दोस्तों आपको जो इंटरनेट आ रहा है वो बंद हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों जो वाईफाई लगा के गया है उन्हें कॉल करना पड़ेगा, फिर दोस्तों वो दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपके कंप्यूटर में आपके वाईफाई में नेट चलने लगेगा। तो आप लोग दोस्तों ये गलती मत करना। मैंने एक बार दोस्तों गलती की थी, फिर मैंने दोस्तों उन्हें कॉल किया तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई जो कि मुझे भी पता नहीं थी। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग रिसेट मत करना। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप लोग दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर जो कि लगा के गए हैं उनसे मांग सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पासवर्ड जल्दी से डाल देता हूँ, और दोस्तों लॉग इन पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों कुछ चीज़ें मैं हाइड रखूँगा, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हमारे वाईफाई के साथ कितने कनेक्शन हैं। जैसे कि दोस्तों एक तो यह अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें एक है वायर कनेक्शन, और दूसरा है वायरलेस, जो कि एक डिवाइस है फ़ोन, वो भी मेरे भाई का होगा, मेरी बहन का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और आपकी दोस्तों सेटिंग कुछ अलग हो सकती है तो आपको चेक कर लेना है, लेकिन आपको वायरलेस वाला तो ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और वायरलेस सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप लोग जाओगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला है नेटवर्क नेम, जो कि दोस्तों मैंने अपना जो ये राउटर है उसका नेम रखा हुआ है Realme 5। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वाईफाई को ऑन करके, यहाँ पर देख लीजिए मैंने वाईफाई चालू कर दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों बैक करके मैं चालू करता हूँ दोबारा से, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे अपने पीसी में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अभी तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो Realme 5 आ गया। अभी मैं बंद कर देता हूँ इसे, और अभी दोस्तों मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि Realme 5 के बदले में क्या Realme 6 कर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जो पासवर्ड है वहीं आपको चेक करना है। ये रहा दोस्तों जो पासवर्ड, आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये वाला जो मैंने पासवर्ड डाला हुआ है इसे दोस्तों मैं चेंज कर दूंगा। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको इसे वायरलेस में आके वायरलेस सेटिंग में इसे चेंज करना है, क्योंकि इसमें और भी पासवर्ड और सिक्योरिटी नाम होते हैं, उसे आप लोग चेंज मत कर देना, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड भी चेंज करूँगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो Realme 6 मैंने डाल दिया, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123456678। ओके, डाल दिया। अब मैं सेव कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने नाम और पासवर्ड दोनों ही चेंज कर दिया है। अभी दोस्तों ये सेव हो रहा है, तो इसे सेव होने देना है सबसे पहले, फिर आपको दोस्तों जाके चेक करना। तो दोस्तों ये सेव हो चुका है, और यहाँ पर अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि पासवर्ड और नाम चेंज हुआ कि नहीं, तो आपको बेसिक में जाना है,
और यहाँ पर आपको वायरलेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो नाम और पासवर्ड दोनों ही चेंज हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एडवांस में दोबारा से जाके दिखा देता हूँ कि वही नाम और पासवर्ड। और अभी दोस्तों हम लोग वाईफाई को दोबारा से चालू करते हैं यहाँ से, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चेंज हुआ कि नहीं हमारा वाईफाई और पासवर्ड, क्योंकि कुछ इस तरीके से आप लोग अपना राउटर का वाईफाई नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी रियलमी 5 आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी रियलमी 6 हो गया। आप लोगों ने देखा ये भी थोड़ी देर कंफ्यूज हो गया कंप्यूटर भी कि ये क्या नाम आ रहा है, लेकिन अभी रियलमी 6 है। और अभी हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप लोगों के सामने दोस्तों ये पासवर्ड है, इसे मैं चेंज कर दूंगा दोस्तों। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारे राउटर का नेम और पासवर्ड दोनों ही चेंज हो चुका है, और अभी दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये वायर से कनेक्ट है इंटरनेट केबल के जरिए। तो कनेक्ट होगा कि नहीं वो तो देखा जाएगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। तो आप लोग देख सकते हो कि वेरीफाइंग एंड कनेक्टिंग, तो ये टाइम दोस्तों थोड़ा सा लेगा। अगर आपका इंटरनेट काफ़ी सॉरी आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसमें ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये वायर से कनेक्टेड है इसलिए। लेकिन आप लोग ने देखा कि कुछ तो इस तरीके से आप लोग वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो यही दोस्तों ट्रिक है। अगर आप लोग दोस्तों दूसरा राउटर यूज़ करते हो तो उसमें भी आप लोग दोस्तों कुछ इस तरीके से सेटिंग कर सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें भी दोस्तों सेम ही होता है सभी में, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अलग से आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग दोस्तों चेंज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मैंने अभी जो बताया ये टीपी लिंक के जो राउटर आते हैं उनके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर कर देना, और जो भी लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बड़ी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।